সকলকে নববর্ষের অগ্রিম শুভেচ্ছা। আজ মে লেকে আই হু বেঙ্গলি নিউ ইয়ার স্পেশাল কুছ DIY। পতা হ্যায় বহুত দিন বাকি হ্যায় পর মে আগে সে হি দে রহি হু, তো চলিয়ে স্টার্ট করতে আজকে ভিডিও। পহলে ওয়ালা জো DIY হে, এক ওয়াল হ্যাঙ্গিং হ্যায়, ইসকে লিয়ে মেনে ইয়াহ পে কেক বেস লে লিয়া, আর উসকে উপর হাম জেসো অ্যাপ্লাই কর লিয়া বেস কে লিয়ে। আপ হোয়াইট অ্যাক্রিলিক কালার ভি ইউজ কর সকতে হ্যায়, উসকে উপর আব হাম এক রেড কালার অ্যাপ্লাই কর দিয়া। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मोल्डेड का काम करेंगे। प्रोसेस आप देखते हुए चले। मोल्डेड का जो दोनों कंपाउंड है उसको एक कॉल पार्ट में हम पहले मिक्स करके डो जैसा बना लिया। एक रेफरेंस हमने ड्रॉ कर लिया, पहले ही दिखाया है, उस रेफरेंस को ही हम फॉलो करके एक आउल हम बनाएंगे, वो भी क्ले से। तो आप देखते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं हर हफ्ते संडे को वीडियो देती हूँ, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबा देना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि सबको ये वीडियो देखने को मिले। और प्लीज़ लाइक भी कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट है आउल का, वो हम डिटेलिंग करेंगे। क्ले का एक अच्छा पार्ट है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी क्ले आर्ट, कोई भी क्ले वर्क आप जब करते हैं तो कोई उसको प्लेन नहीं छोड़िए। इसके ऊपर जितना ज़्यादा डिटेलिंग आप करेंगे उतने ही अच्छा ये निखर के आएगा बाद में। तो प्लीज़ डिटेलिंग भर भर के कीजिए, ठीक है। अच्छा, ये जो सारे वीडियो हम आज दिखाएंगे, इसका जो फाइनल लुक है वो लास्ट में है, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि हमेशा की तरह आज भी मैंने डेकोर वीडियो लेके आई हूँ। जो DIY हमने बनाया है आज, उसी की मदद से एक डेकोर वीडियो भी मैंने बनाया है, उसी को हम यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो प्लीज़ उसका फाइनल लुक अब देखते हुए जाना, ठीक है। अब ये क्ले वर्क तो हो गया, अब है सूखने के बारी। सूख जाने के बाद ये बिल्कुल जब सूख जाए उसके बाद हम यहाँ पे हम ब्लैक एक्रेलिक कलर से बेस कलर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पे वाइट कलर नहीं किए हैं। आप डायरेक्ट वाइट कलर, कोई और कलर आप करेंगे तो प्लीज़ बेस में वाइट कलर अप्लाई करना ज़रूरी है। तो इसीलिए जब ये ब्लैक एक्रेलिक कलर सूख रहा है तब तक मैं ये बोर्ड को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा एंटिक लुक देने के लिए मैं यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट ये सारे कॉम्बिनेशन की मदद से बेस में कलर देंगे। अब ये जो ब्लैक कलर मैंने अप्लाई किया था, ये बिल्कुल सूख जाने के बाद, ये बिल्कुल सूखने के लिए आपको छोड़ देना पड़ेगा। अब ये बिल्कुल सूख जाने के बाद यहाँ पे हम मेटालिक वैक्स गोल्ड कलर यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो डस्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पर कोई कुछ नहीं रहे तो जो एक्रेलिक कलर गोल्डन रहता है आप उसी को यूज़ कीजिए। देखिए जो डिटेलिंग हमने किया था वही निखर के आ रहे हैं। तो यार इसी के साथ रेडी हो गया हमारा फास्ट DIY। नहीं नहीं, अभी थोड़ी काम बाकी है, तो आप देखते रहिए। अब ये साइड का पार्ट ना बहुत खाली खाली लग रहा था, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेंसलिंग कर रही हूँ। तो उसके बाद हम ये जो क्ले मुरल मैंने बनाया था वो हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे एक स्ट्रॉन्ग ग्लू के साथ। अब है सेकेंड DIY। यहाँ पे देखिए इसको एक हम लोग धुनुची बोलते हैं, धुना देते हैं इसकी मदद से। ये मिट्टी का है, पता नहीं इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। इसको हम बेस कलर के लिए यहाँ पे वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर लिया, उसके बाद येलो कलर हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं करेंगे।
पहले कलर यूज़ करने से पहले आपको ये इसको थोड़ी देर के लिए पानी में सोक करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत सारा कलर सोक कर लेगा। इसीलिए पानी में इसको सोक करेंगे, उसके बाद ये सूख जाने के बाद यहाँ पे हम काम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ब्लैक 3D कोल लाइनर या फिर ब्लैक कलर की मदद से थोड़ी बहुत डिज़ाइन करेंगे, इंडियन डिज़ाइन हम देंगे, तो आप देखते जाइए। चले चलते हैं थर्ड DIY की तरफ। यहाँ पे हम एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे, पोस्टर जैसा हम बनाएंगे। हाँ, हमेशा पोस्टर ही बनाते हैं, तो मैंने सोचा यहाँ पे खुद थोड़ी और क्रिएटिव बनाया जाए, ताकि ये नववर्ष का जो स्पेशल है वो थोड़ी टच मिले। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए नववर्ष का जो अनोखा चीज़ें हैं, यानी हाथ पाखा, कूलो, घोड़ा, आउल, जो लोग बंगाली है उसको समझ में आया है, ऐसे सारे जो आइकॉनिक चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके कलर करके यहाँ पे कट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सारे हो जाने के बाद इसको हम असेंबल करेंगे। देखिए हम कैसे असेंबल कर रहे हैं, एक जूट रोप की मदद से ऐसे हम हैंग करेंगे। ये जो सारे जो वीडियो हमने दिखा रहे हैं, सारे जो DIY दिखा रहे हैं, इसका फाइनल लुक आपको बाद में ही मिलेगा, क्योंकि डेकोर वीडियो भी है। तो देखिए, तो इसके बाद लास्ट DIY ये है हाथ पाखा हैंड फैन, या फिर जो हिंदी में क्या बोलते हैं, पता पंखा है बोलता है इसको, वो इसके ऊपर एक राफ ड्राइंग मैंने बना लिया। अब है कलर करने की बारी, कलर अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस। आप दिख रहे मैं कैसे बना रही हूँ। और हाँ, और एक फिर से हम बोल रहे हैं कि इसका फाइनल लुक देखते हुए जाना, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आज भी एक डेकोर वीडियो मैंने लेके आई हूँ, लास्ट में है वो वीडियो, इसी DIY को बन लेके हम डेकोरेशन किया है, तो वो भी आप देखिएगा ज़रूर। तो या अच्छा, आप क्या सब्सक्राइब किए हो? प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइब माई चैनल। इतने तक देख लिया वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम, मेरी पिंट्रस्ट पे मुझे फॉलो ज़रूर करना, ठीक है।
लिए आज हम चले आए फिर से इस जगह को डेकोरेट करने के लिए बंगाली न्यू ईयर के लिए। अब तो पता ही है मैं यही जगह पे डेकोरेट करती हूँ, तो आज मैं उसी को जगह पे डेकोरेट करूँगी कुछ अलग तरीके से, क्योंकि मेरे घर पे कोई और कॉर्नर तो नहीं है डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास वही पुराना टूल है तो उसी को ही हम बिछा दिया, इसके ऊपर हम एक ट्रे जैसा हम रख लेंगे। ये है वो ट्रे, बेसिकली ये ना एक बेत का है, यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं पता नहीं। ये मैं हैंडक्राफ्ट फेयर से लेके आई थी, इसको हम एज अ बेस यहाँ पे यूज़ करेंगे। मैं इसको प्लेन ही रख रही थी, मैं सोचा था पहले डेकोरेट करूँगी पर मैंने सोचा नहीं, तो इसी को एज इट इज़ रख रही हूँ। अब इसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक मिट्टी का फ्लावर वाज जैसा है, ये भी हैंडमेड है पर मैंने ख़रीदा है, उसके ऊपर ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर है वो हम लगा दिया। इसके अंदर हम जो वो हाथ पाखा बोलते हैं, हैंड फैन जो हमने बनाया था वो लगाएंगे। देखिए ये वाला हम यहाँ पे ऐसे लगा देंगे तो एक अच्छा डेकोरेशन आए। देखिए ठीक है, कोई भी डेकोर ओरिजिनल प्लांट की बगैर तो अधूरा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक लाकी बैम्बू ऐड कर दिया, उसके ऊपर हम डेकोरेट करेंगे इसकी मदद से। ऐसे हम रख देते हैं पहले, उसके बाद चाहे तो हम थोड़ा सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं, पर पहले रखते हैं। देखिए जब मुसीबत आते हैं तो छप्पड़ फाड़ के आते हैं। अभी इस वीडियो में मेरे पास कोई भी लाइट नहीं है, यानी जो फेयरी लाइट हम यूज़ करते थे वो नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो भी था वो ख़राब हो गया। सहारा तो सिर्फ एक ट्राईपॉड, वो भी ये वीडियो करने के वक्त पता नहीं कैसे डिसकनेक्ट हो गया, तार खुल गया। ठीक है कोई बात नहीं, हम इसी से ही वीडियो चला लेंगे, मुझे पता है कि आप लोग समझ जाएंगे। तो ट्राईपॉड को हम बाद में देखते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो देखिए यहाँ पे हमें ऐसे स्टैंड कर दिया, उसके बाद फेरी लाइट नहीं है तो क्या हुआ, ऐसे कुछ टी लाइट है, कैंडल तो मेरे पास है, उसी से हम डेकोरेट करेंगे। पहले ये हम जो बनाए थे ये हम पहले रख दिया, उसके अंदर हम थोड़ा पानी डाल देंगे। ये पहले ये है धुनोची, इसके अंदर पता नहीं धुनो डाल के, यानी बंगाली में धुनो बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है मुझे पता नहीं, पूजा की सामग्री है इसमें लगता है, पर इसको हम एज अ फ्लावर होल्डर या फिर पानी देके इसके अंदर फ्लोटिंग कैंडल हम डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ी बहुत फ्लावर वगैरह डाल देंगे, इसके बीच में हम यहाँ पे फ्लोटिंग कैंडल डालेंगे, वो हम लास्ट में दिखाएंगे। अब देखिए जो हैंगिंग हमने बनाया है याद है, ये देखिए ये उप्स, यहाँ पे तो प्रभावली भी दिख रहा है, कोई नहीं वो भी तो इंडियन आर्ट है, उसी को भी लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये है हमारे वो वॉल हैंगिंग जो कागज की मदद से हमने बनाया था, वो हमने यहाँ पे हैंग कर दिया, ऐसे लग रहा है दिखने में। अब यहाँ पे गेंदा फूल के बिना तो बंगाली न्यू ईयर तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए देखिए कुछ ऐसे दिख रहा है हमारा कॉर्नर। थोड़ा कॉन्सिडर कर लीजिएगा, लाइटिंग थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मेरे पास कुछ भी लाइट नहीं है और मैं ये वीडियो ना बहुत अर्जेंसी में रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ख़राब था, तो मैं रिकॉर्ड करने का टाइम भी नहीं मिला, तो इसीलिए। तो चलिए फाइनल लुक आपको दिखाते हैं थोड़ी देर के बाद। थोड़ा और खाली खाली लग रहा था इसीलिए मैंने ट्रांसपेरेंट ग्लास लेके यहाँ पे पानी भर के इसके अंदर गेंदा फूल को तोड़ के यहाँ पे हम डाल देंगे। उप्स, आई थिंक ज़्यादा हो गया, देखने में कुछ ऐसा लग रहा है कैंडल देने के बाद। तो फाइनल लुक देखते हैं चलिए।